नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिल्मी दलान में। आज हम जिस बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं, उनका फिल्मी करियर बॉलीवुड के तीनों खान की वजह से बर्बाद हो गया था। एक मध्यम परिवार से निकलकर बुलंदियों को छूने वाली इस एक्ट्रेस का करियर ही नहीं, निजी जीवन भी काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। आपको बता दें कि मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली इस अदाकारा की अच्छी हाइट ही उनके लिए मुसीबत का सबब बन गई थी। बताएंगे एक दौर में देश के टॉप मॉडल्स में शुमार इस एक्ट्रेस से जुड़े ऐसे ही तमाम दिलचस्प किस्से कहानी विस्तार से। आप बने रहिए हमारे साथ। एक आदमी अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर किसी की जिंदगी बचाता है। स्वागत और आभार है एक बार फिर आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल में। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वो भले फिल्मी दुनिया से दूर हो, लेकिन एक समय था जब इन्होंने सिनेमा जगत में अपनी बहुत शानदार एंट्री की थी, लेकिन इनका जलवा बहुत दिनों तक नहीं चल सका और जल्दी ही मेन स्ट्रीम सिनेमा से ये गायब हो गई। यहाँ तक कि एक दौर में उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा। जब से तुझे देखा सनम, देखी मेरी जुल्फें। उम्मीद है आप सब अभी तक इस बोल्ड और गॉर्जियस एक्ट्रेस को पहचान गए होंगे। अगर नहीं तो बता दें कि ये मशहूर अदाकारा थी ब्यूटी पेजेंट, पूर्व मिस इंडिया सोनू वालिया, जिनका असली नाम संजीत कौर वालिया था, लेकिन कई जगह उनका नाम सोनू वालिया भी लिखा मिलता है। आगे हमारे इस पेशकश में जानेंगे सोनू वालिया से जुड़ा हर वो किस्सा जो आप जानना चाहते होंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उनके फिल्मों में आने के सफर से। सोनू वालिया का जन्म 19 फरवरी 1964 को दिल्ली के एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। सोनू के पिता सतेंद्र सिंह वालिया आर्मी में थे और उनकी मां दमनजीत कौर एक हाउसवाइफ। परिवार में सोनू की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है मोनू वालिया। पिता के आर्मी में रहने के कारण सोनू का घर काफी अनुशासित रहा है। सोनू वालिया का ज्यादातर समय दिल्ली में ही गुजरा और उनकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं से हुई। बचपन से ही सोनू पढ़ने में काफी होशियार थी। सोनू ने जर्नलिज्म में अपना ग्रेजुएशन किया और साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन। सोनू के पिता शुरू से चाहते थे कि उनकी बेटी सशक्त और आत्मनिर्भर बने, इसलिए वो हमेशा उनसे कहा करते थे कि वो बस 18 साल तक ही उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे, इसके बाद सोनू को अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी, जिसको सोनू ने काफी गंभीरता से लिया और बहुत जल्दी ही मॉडलिंग की दुनिया में आ गई। यहाँ तक वो मिस इंडिया का खिताब भी मात्र 21 साल की उम्र में साल 1985 में जीती थी और उनको ताज पहनाया था वेटरन एक्ट्रेस जूही चावला ने, क्योंकि जूही साल 1984 की विनर थी। इसी साल सोनू अमेरिका में हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी गई थी, हालांकि वहां सोनू को कामयाबी नहीं मिल सकी थी। सोनू दिखने में बेहद खूबसूरत और अच्छी हाइट की थी और ऊपर से मिस इंडिया, तो मिस इंडिया जैसा ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद, जैसा कि हर लड़की के साथ होता है, सोनू वालिया के साथ भी वैसा ही हुआ। उनके पास मॉडलिंग और फिल्मों के काफी सारे ऑफर्स आने लगे और सोनू ने कई फिल्में भी साइन की। इस तरह सोनू ने साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म शर्ट से फिल्मी करियर का आगाज किया, लेकिन उनको पहचान मिली साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म खून भरी मांग से, जिसमें सोनू का कैरेक्टर नेगेटिव शेड्स लिए था। ये फिल्म सुपरहिट थी और साथ ही सोनू भी सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही थी। इस फिल्म के लिए सोनू वालिया को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। ताज्जुब हुआ।
इसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई आकर्षण, जिसमें उनके साथ अकबर खान लीड रोल में थे। ये फिल्म तो नहीं चली और फ्लॉप हो गई, लेकिन सोनू बेहद हॉट, बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस के रूप में स्थापित हो गई। इस फिल्म ने बोल्डनेस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जो उस दौर में बहुत कम दिखता था। इसके बाद सोनू के पास फिल्मों के और भी कई ऑफर्स आए, लेकिन सोनू को वो मुकाम नहीं हासिल हो रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। उस दौर में सोनू ने एक से बढ़कर एक बैनर की फिल्में की, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि भारी भरकम स्टार कास्ट होने के बावजूद उनकी फिल्में वो सफलता नहीं दोहरा पा रही थी, जिसका नुकसान सोनू को भी हुआ और उनकी फिल्मों की तरह ही उनको भी वो सफलता नहीं मिल सकी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। कर प्यारे, सोनू की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें खून भरी मांग, तूफान, हातिम ताई, खेल, प्रतिकार, दिल आशना है, महासंग्राम, तेजा, अग्निकाल, तहलका, साहिबान, कसम और निश्चय शामिल हैं। सोनू ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, साथ ही उस दौर के अच्छे एक्टर्स के साथ भी काम किया, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिल रही थी जो उनको उनकी फिल्म खून भरी मांग से मिली थी। बेहद खूबसूरत सोनू ने बोल्ड सीन्स देने से भी कोई परहेज नहीं किया, लेकिन अच्छे फिगर, हाइट और ग्लैमरस लुक्स होने के बावजूद उनको वो फिल्में और सफलता नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। उनके करियर में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। बॉलीवुड में लगातार होती उपेक्षा की वजह से सोनू वालिया ने टीवी की तरफ रुख कर लिया और महाभारत, अर्धांगिनी और बेताल पचीसी जैसे टीवी शोज में भी काम किया, लेकिन किस्मत ने टीवी पर भी सोनू का साथ नहीं दिया। अपनी करियर की डूबती नाव को सोनू ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में पार लगाने की कोशिश की, लेकिन यहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने हार मान ली। इसके बाद सोनू ने खुद को एंटरटेनमेंट जगत से दूर करने का फैसला कर लिया और फिल्मों से दूर हो गई। साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म जय मां शेरावाली उनकी आखिरी फिल्म थी। सिनेमा छोड़ने के कई सालों बाद सोनू ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म जोगिया रॉक्स बनाई, लेकिन यहाँ भी किस्मत उनके साथ नहीं थी और यह फिल्म भी नहीं चली। रात है जवां आवारा। ये तो रही सोनू के फिल्मी करियर की बात, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। फिल्मी करियर की तरह ही उनकी निजी जिंदगी को भी न जाने किसकी नजर लग गई। उनकी शादी भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चली और किडनी की बीमारी की वजह से उनके पति की मौत हो गई। सोनू ने साल 1995 में बिजनेसमैन और एक्टर सूर्य प्रताप सिंह से शादी की। शादी के बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, लेकिन अचानक उनके पति की तबीयत बिगड़ गई और वो फिर कभी सही नहीं हो पाए। उनके जाने के बाद सोनू पर काफ़ी जिम्मेदारियां आ गईं, उन्हें पति का बिजनेस भी हैंडल करना पड़ा। फिलहाल सोनू अमेरिका और मुंबई में ही ज़्यादा रहती हैं और अपना बिजनेस और प्रोडक्शन कंपनी देखती हैं। सोनू वालिया के लव अफेयर्स की बात करें तो इनका नाम अपनी पहली फिल्म के को स्टार कबीर बेदी के साथ काफी सुर्खियों में रहा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दोनों लिव इन में रहते थे, लेकिन हमेशा की तरह किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया और वो इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोनू से जुड़े विवादों के बारे में। सुर्खियों से गायब रहने वाली सोनू अचानक कुछ सालों पहले साल 2017 में लाइमलाइट में आई थी। दरअसल उस समय सोनू को कोई अनजान आदमी अश्लील कॉल्स करने के साथ ही गंदे वीडियोस भेजने लगा था, लेकिन लाख समझाने बुझाने पर भी नहीं मानने पर आखिर में सोनू को पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करानी पड़ी, तब जाकर मामला शांत हुआ था।
इसके बाद साल 2019 में वो ठगी का शिकार हो गई थी। दरअसल सोनू ने एक BMW कार खरीदी थी जिसे डीलर ने बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा कीमत पर बेच दिया था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कार सर्विसिंग के लिए गई। इसके बाद सोनू ने इसकी कंप्लेंट भी दर्ज कराई। आइए अब जानते हैं आखिर सोनू वालिया को फिल्मों में काम मिलना क्यों बंद हो गया था। जिसे एक दौर ऐसा भी आया कि जब उन्हें बी ग्रेड मूवीज की तरफ अपना रुख करना पड़ा और फिर अचानक सिनेमा जगत को छोड़कर वो सबसे दूर हो गईं। तो क्या है ला ला ला। सोनू ने एक मीडिया इंटरव्यू में अपना करियर ना चलने की वजह बॉलीवुड के तीनों खान्स को बताया। सोनू ने आरोप लगाया कि तीनों खान की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। दरअसल सोनू ने कहा था कि तीनों खान उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थे। इसकी वजह वो अपनी लंबी हाइट को मानती हैं। हाइट में तीनों खान से लंबी होने की वजह से कोई भी निर्माता उनको लीड रोल में साइन नहीं करना चाहता था और उन्हें सपोर्टिंग रोल्स ही ऑफर किए जाते थे। सोनू के मुताबिक उस दौर में लंबी लड़कियों को फिल्में बहुत कम मिलती थी क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स की हाइट कम थी। सोनू की बढ़िया हाइट ही उनकी परेशानी बन गई थी। अच्छी हाइट, चमकदार चेहरा और बढ़िया फिगर होने के बावजूद सिजलिंग और गॉर्जियस सोनू अपना ग्लैमर नहीं दिखा सकी और टॉप के एक्ट्रेसेस की कतार में नहीं आ सकी। अपनी फिल्मों में बोल्ड सीन से कभी परहेज नहीं करने वाली सोनू को वो मुकाम नहीं हासिल हुआ जिसकी उन्हें तमन्ना थी। और अपने दौर की सफल और टॉप मॉडल और मिस इंडिया रहने के बावजूद सिनेमा जगत में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। सोनू वालिया आज भले ग्लैमर की दुनिया से दूर हैं, लेकिन अपनी खूबसूरती और अपनी दिलकश अदाकारी के दम पर अपने जमाने के सिने प्रेमियों के बीच आज भी खासा पहचान रखती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सोनू जहां भी होंगी स्वस्थ होंगी और जल्दी ही दोबारा सिनेमा जगत में दमदार कमबैक करेंगी। आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार।